अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जल्द निखारने और वज़न भी आप लोगों का ये घटाएगा। एक पपीता रोज़ाना खाने से जिस्म में क्या तब्दीली आती है, फ़ायदे जानकर आप भी खाना शुरू कर देंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। कुदरत ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं और उसकी अता की हुई हर नेमत में इंसान के लिए बेशुमार फ़ायदे छुपे हुए हैं। ऐसी ही एक नेमत है एक ऐसा फल जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है और इसका इस्तेमाल करने से हैरत अंगेज़ फ़ायदे होते हैं। हम बात कर रहे हैं पपीते की। माहिरीन के मुताबिक एक पपीते में 3 ग्राम फाइबर, 15 ग्राम कार्बस और 1 ग्राम प्रोटीन, 157% विटामिन सी, 33% विटामिन ए और 34% विटामिन बी और 11% पोटेशियम मौजूद होता है। नंबर एक, पपीता ना सिर्फ जिल्द के अमराज के लिए मुफीद है बल्कि यह निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने, वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कब्ज़ को ख़त्म करता है। पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके दिल की हिफाजत भी करते हैं। नंबर दो, फाइबर्स भरपूर होता है इसमें। यह डायबिटीज टाइप 2 के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। पपीता बेटा क्यूरटीन से भरा हुआ फल है जो कि निज़ाम तनफ्फुस को तकवीत देता है और सांस की नालियों की बंदिश को ख़त्म करता है। यही नहीं बल्कि पपीते में विटामिन सी और लाइकोपेंस भी फ्राम मकदार में पाया जाता है जो कि जिल्द की हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है। अगर पपीते का इस्तेमाल किया जाए तो एक्नी, झुरियाँ और जिल्द के दीगर मसाइल बा आसानी हल हो सकते हैं। ये एक ऐसा फल है जो अपने अंदर हज़ारों फ़ायदे रखता है और अगर ये कहा जाए कि सेहत और ख़ूबसूरती के लिए कुदरती टॉनिक है तो गलत ना होगा। पपीते में शामिल विटामिन ए और सी बालों को गिरने से बचाता है और बालों को लंबा करता है। ये स्किन फॉर्मेटिव फ़ायदे थे। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।